आपको शर्म नहीं आएगी? जब संविधान की कॉपी को जलाया तब आप खामोश रहे? अंबेडकर जयंती पर अंबेडकरवाद वर्सेस मनुवाद। मोदी साहब आप तो कह रहे थे कि अच्छे दिन आएंगे, आप तो ये कह रहे कि मुझे बाबा साहब अंबेडकर के लिए बहुत लगाव है। जिग्नेश मेवाणी ने आरएसएस से पूछे 14 तीखे सवाल। गुजरात के वडगाम से कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी ने 14 अप्रैल यानी डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर आरएसएस और बीजेपी से 14 ऐसे सवाल पूछे हैं जो आरएसएस की मनुवादी सोच की कलई खोलकर रख देते हैं। सुनिए जिग्नेश मेवाणी ने क्या क्या सवाल पूछे। जय भीम, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर की 132वीं जन्म जयंती के मौके पर आरएसएस, भाजपा और नरेंद्र मोदी साहब के लिए मेरे 14 सवाल है। पहला सवाल, दिल्ली की सड़कों पर जब आरएसएस और भाजपा के लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर के भारतीय संविधान को जलाया तब खामोश रहने वाले मोदी साहब, अब आप कौन सा मुंह लेकर बाबा साहब को 14 अप्रैल के दिन नीला कुर्ता पहनकर माला अर्पण करने जाओगे? आपने अपने हाथों से बाबा साहब को माला पहनाओगे? आपको शर्म नहीं आएगी? जब संविधान की कॉपी को जलाया तब आप खामोश रहे? तो आपको सवाल ये पूछना चाहता हूं, पूरे भारत के 21 करोड़ दलितों की ओर से क्या आप भारत के संविधान में मानते हैं या मनुस्मृति में? इस बात की आपको स्पष्टता करनी पड़ेगी। दूसरा सवाल, अभी अभी कुछ दिन पहले भारत की पार्लियामेंट में हमारे गृह मंत्री ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि इस मुल्क में पिछले 4 साल में दलित समाज के 1,90,000 लोगों के साथ उत्पीड़न, अत्याचार और एट्रोसिटीज की वारदातें हुई। तो सवाल ये हो रहा है किस प्रकार का मुल्क है? मोदी साहब आप तो कह रहे थे कि अच्छे दिन आएंगे, आप तो ये कह रहे कि मुझे बाबा साहब अंबेडकर के लिए बहुत लगाव है, आप तो ये कह रहे थे कि दलित मेरे भाई है, आप तो ये कह रहे थे कि सबका साथ सबका विकास, आपके आरएसएस के लोग सामाजिक समरसता का ढिंढोरा पीट रहे, तो बावजूद उसके 4 साल के दौरान ही इस मुल्क में 1,90,000 दलित उत्पीड़न की वारदातें होती है। आपने इस मुद्दे पर क्या कहना है? क्यों उसके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती? क्यों इस मुद्दे पर आप खामोश है? क्यों आप इस मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते? तीसरा सवाल मोदी साहब आपसे पूछना चाहता हूं, ये 1,90,000 एट्रोसिटीज की दलित उत्पीड़न की वारदातें हुई, लेकिन आप उसमें से एक भी पीड़ित परिवार को मिलने के लिए गए? हाथरस की बेटी के साथ जो हुआ वो पूरे मुल्क और पूरी दुनिया ने देखा, आप उसके मां बाप के आंसू पोंछने के लिए गए? आप तो कुत्ते के मरने पर ट्वीट करते हैं, लेकिन 1,90,000 में से एक भी ऐसी घटना नहीं जब दलित परिवार के आंसू पोंछने के लिए गए। तो किस मुंह से आप कहते हैं कि मैं बाबा साहब अंबेडकर के विचारों में मानता हूं? आप जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी कभी एक भी दलित परिवार की मुलाकात नहीं ली, आप जब भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं तब भी जीवन में कभी आप एक भी दलित एट्रोसिटी के परिवार की मुलाकात नहीं ले रहे, ये किस प्रकार की संवेदनशीलता है? सवाल नंबर 4, मोदी साहब आपने कर्मी योगी नाम की किताब में लिखा है कि सफाई कर्मियों को सफाई काम करने में आध्यात्मिकता का आनंद मिलता है, जब कोई दलित, जब कोई गरीब, कोई मजदूर गटर में उतर कर मैला साफ करे, गटर सफाई का काम करे, जहां पर जहरीली गैस के कारण मौत होने का चांसेस हो, इस मुल्क में स्वतंत्रता से लेकर अब तक अनगिनत दलितों ने सफाई काम करने के कारण अपने जीवन खोए, और आप ये कहते हैं कि सफाई कर्मियों को सफाई काम करने में आध्यात्मिकता का आनंद मिलता है? तो आप भी कभी गटर में उतर कर एक बार इस आध्यात्मिकता का आनंद लीजिए ना। गुजरात में अभी हाल ही में 15 दिनों में 5-7 सफाई कर्मियों की गटर में उतरने के कारण, जहरीली गैस के कारण मौत हो गई, तो क्या वो लोग आध्यात्मिकता का आनंद लेते हुए मरे? ये है आपकी सोच, ये संस्कार, ये आपको कहां से मिले? मोहन भागवत से मिले या मनुस्मृति से मिले? 5वां सवाल पूछना चाहता हूं, आज भी इस मुल्क में मोदी साहब आपने तो कहा था ना कि अच्छे दिन आएंगे, समानता होगी, सबका साथ सबका विकास, लेकिन आज भी दलित समाज के लोग दूसरे भारतवासियों का मैला उठाने के लिए मजबूर है। आज भी इस मुल्क में मैनुअल स्केवेंजिंग, मैला ढोने की प्रथा आज भी जिंदा है। हजारों लाखों लीटर एक इंसान को दूसरे इंसान का मैला उठाना पड़ रहा है। इस बारे में आपने प्रधानमंत्री के बनने के बाद अब तक इन 8-9 सालों के दौरान क्या किया? आज भी गुजरात में, भारत में एक सफाईकर्मी, एक दलित समाज का व्यक्ति दूसरे भारतवासी का मैला उठाने के लिए क्यों मजबूर है? सवाल, अस्पृश्यता, छुआछूत भारतीय समाज का कलंक है।
डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने भारत के संविधान के आर्टिकल 17 में छुआछूत के ऊपर प्रतिबंध लादा है। संकल्प लिया एक राष्ट्र के तौर पे कि छुआछूत को खत्म किया जाए, लेकिन गुजरात हो या देश का कोई भी स्टेट हो, आपकी सरकार, आपका सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट भारत के एक भी जिले के, एक भी तहसील के, एक भी गाँव में छुआछूत के खिलाफ कोई कैंपेन नहीं चला रहा है, कोई ड्राइव नहीं चला रहा है, उसके खिलाफ का कोई प्रोग्राम नहीं है, आपका कोई कमिटमेंट नहीं है, तो किस मुंह से आप कह रहे हैं कि सामाजिक समरसता लागू करना चाहते हैं? मोदी साहब, आखिर आप भारत में छुआछूत को, अस्पृश्यता के कलंक को जिंदा रखना क्यों चाहते हैं? सातवां सवाल, मोदी साहब अपने बाबा साहब अंबेडकर की स्मृति में पंच तीर्थ का निर्माण करने की बात कही थी। महू, जहां बाबा साहब अंबेडकर का जन्म हुआ, लंदन जहां पर उन्होंने पढ़ाई की, दिल्ली उनके महापरिनिर्वाण की जगह, बंबई जहां पर चैत्य भूमि उनकी स्मृति में बड़ा स्मारक है, नागपुर की दीक्षा भूमि, इन पांच जगहों को आप डेवलप करने वाले थे, लेकिन आपने तो बना दिया नई पार्लियामेंट का भवन। 800-900 करोड़ रुपया नई पार्लियामेंट के भवन के निर्माण के लिए है, लेकिन बाबा साहब की स्मृति के पीछे खर्च करने के लिए आपके पास कोई पैसा नहीं। और वैसे भी आपकी स्मृति से बाबा साहब की इन स्मारकों का निर्माण करने चाहते हैं। आरएसएस और भाजपा के लोगों की तो परंपरा रही है कि गांव में, तहसीलों में, जिलों में, शहरों में बाबा साहब अंबेडकर के स्टेच्यू को तोड़ने की भाजपा के लोगों की तो परंपरा रही है। इसलिए कहना चाहता हूं, आप वैसे भी आरएसएस की मनुस्मृति की सोच में मानते हैं, तो बाबा साहब अंबेडकर के नाम पे जो भवन है ना, जो स्मृतियां है ना, उनको रिनोवेट करने के बजाय बेहतर है आप आरएसएस के हेडक्वार्टर की मरम्मत में ही लगिए। यही आपकी पर्सनालिटी, यही आपकी विचारधारा को सूट करता है। आठवां सवाल, किसी भी देश का भविष्य उस देश का युवा होता है। रोहित वेमुला, दर्शन सोलंकी, पायल तडवी, ये भी भारत का, इस मुल्क का भविष्य थे, लेकिन इस देश की तथागठित कुछ प्रीमियम इंस्टीट्यूट में, कॉलेज के कैंपसेस और यूनिवर्सिटीज में आज भी दलित, आदिवासी, ओबीसी स्टूडेंट्स के साथ जाति के नाम पे जो भेदभाव होता है, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन है, उसके कारण रोहित वेमुला को आत्महत्या करनी पड़ी, एक इंस्टीट्यूशनल मर्डर है। यही पायल तड़वी के साथ हुआ, यही रिसेंटली दर्शन सोलंकी के साथ हुआ। तो मोदी साहब आपको सवाल पूछना चाहते हैं कि आप रोहित वेमुला एक्ट पारित करके बाकी के दूसरे एकलव्यों के अंगूठे कटने से रोकना चाहते हैं, दूसरे एकलव्य के अंगूठे ना कटे ये सुनिश्चित करना चाहते हैं? नौवां सवाल, भारत में जितने भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उसमें से ज्यादातर लोग 70-75% लोग आज भी गांव में बसते हैं, और गांव में बसने वाले जो दलित है उसका बहुत बड़ा तबका, उसका करीब करीब 65-75% तबका भूमिहीन है, उनके पास अपनी मालिकी की जमीन नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का स्वप्न था कि भारत में गांव में बसने वाले भूमिहीनों को और विशेष तौर पे भूमिहीन दलितों को जमीनों का आवंटन हो। मोदी साहब, आप अडानी को, अंबानी को, कॉरपोरेट हाउसेस को, इंडस्ट्रियल ग्रुप्स को, अपने दोस्तों को हजारों लाखों एकड़ जमीनों का आवंटन करने को तैयार हो, लेकिन दलित जो गांव में बसता है, जो जातिवाद का शिकार है, वो अपने पैरों पे खड़ा हो, वो सक्षम बने, उसके जीवन में भी कुछ आर्थिक उन्नति आए, उसके लिए क्या आप उनको जमीनों का आवंटन करने को तैयार हो? गुजरात में हजारों की हजारों एकड़ जमीन जो दलितों को आवंटित हुई, लेकिन आज भी उसमें गुंडे, आरएसएस और भाजपा के लोगों का गैर कानूनी कब्जा है, तो क्या इन जमीनों का कब्जा खाली करवा कर आप अपने दलित भाइयों को अपना पोजीशन, उनका खुद की मालिकी हो, वो खुद अपनी मालिकी की जमीन पे कल्टीवेशन कर पाए, किसानी कर पाए, इतना सुनिश्चित करने को तैयार हो? दसवां सवाल, मोदी साहब, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि किसी भी समाज ने कितनी तरक्की की यह तय करना हो तो उस समाज में महिलाओं की कितनी प्रगति हुई ये देखिए, और दूसरी तरफ आपकी सरकार गुजरात में गुजरात की बेटी, भारत की बेटी बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जेल में से छोड़कर उनका स्वागत सम्मान करती है, उनको पब्लिकली अप्रिशिएट करती है, और ये कहती है आपकी पार्टी के नेता लोग उनके संस्कार अच्छे थे इसलिए जेल में से छोड़कर उनको लड्डू खिलाए गए, यह है आपकी असली विचारधारा? आज बाबा साहब अंबेडकर हमारे बीच में होते तो मैं खुलकर कहना चाहता हूं वे आपके खिलाफ होते और बिल्किस बानो जैसी भारत की बेटियों को न्याय दिलाने के लिए बतौर वकील पेश होते। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, पूरे भारत को जवाब चाहिए। 11वां सवाल, मोदी साहब, ये दलित, आदिवासी, ओबीसी
मूलतः तो मजदूर वर्ग है, समाज के पूंजीपति वर्ग के साथ आप बैठते हैं, तो आपको मजदूरों के लिए क्या मोहब्बत होगी? आप तो बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेंगे 14 अप्रैल के दिन, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर तो लेबर मिनिस्टर हुआ करते थे, श्रम मंत्री थे, और बाबा साहब अंबेडकर ने जो भी श्रम कानून बनाए उन सभी श्रम कानूनों को खत्म करना, डिस्टोर्ट करना और पूंजीपतियों की सेवा हो उस प्रकार के श्रम कानून बनाने का काम आपने किया है। आपको सवाल पूछना चाहता हूं इन तमाम मजदूरों की ओर से, कि पसीना बहाने वाले मजदूरों के जीवन के साथ आपको कुछ लेना देना है? जो मजदूर ईंटों के भट्ठों में, केमिकल की फैक्ट्रियों में, कंस्ट्रक्शन की साइट में, गांव में भूमिहीन मजदूर के तौर पे काम करते हैं, इन मजदूरों के जीवन के बारे में आपने कभी सोचा है? आप तो पूंजीपतियों की सेवा में लगे हुए, पूरे भारत की संपत्तियों को औने पौने दाम पर बेचने के लिए लगे हैं, तो इन मजदूरों के बारे में नहीं सोचने वाले मोदी साहब, आपको श्रम कानून लेकर आने वाले बाबा साहब अंबेडकर के लिए कैसे प्यार हुआ? 12वां सवाल, मोदी साहब आने वाले कुछ दिनों में कर्नाटका में चुनाव होगा, जैसे ही चुनावी रैलियों में आप जाएंगे आपको तुरंत याद आ जाएगा कि आप ओबीसी हैं। वैसे आप अपने आप को हिंदू कहते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो तुरंत आपके अंदर का ओबीसी जाग उठता है। लेकिन सवाल यह पूछना चाहता हूं, क्या आप कर्नाटका के चुनाव के प्रचार के दौरान जब अपने आप को ओबीसी बताए तब यह भी बताना चाहेंगे कि अभी गुजरात की विधानसभा में 3 लाख करोड़ का जो बजट पारित हुआ उसमें 1% भी ओबीसी समुदाय के लिए नहीं? आपके ही गुजरात में जो ईबीसी बोर्ड बना, इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट, जो समाज का 10-15% जन आबादी को कैटर करने वाले जो बोर्ड और निगम का गठन हुआ उसमें 550 करोड़ रुपया बजट में से अलोकेशन हुआ, लेकिन दलित, आदिवासी, ओबीसी और माइनॉरिटी, ये जो गुजरात की 80-82% जनता है, उनके लिए केवल 150 करोड़ का ही बजट अलोकेशन हुआ। तो ये बात आप कर्नाटका के चुनाव में, ये आपका दलित, आदिवासी, ओबीसी के लिए जो प्रेम है, या बताएंगे कर्नाटका के चुनाव में कि गुजरात में, आपके ही गुजरात में, दलित, आदिवासी, ओबीसी के साथ बजट में किस प्रकार से भेदभाव होता है? 3वां सवाल, मोदी साहब, ज्योतिबा फुले और बाबा साहब अंबेडकर दोनों ने शिक्षा का महत्व समझाया था, और तभी हम लोग जन आंदोलन में कहते रहते हैं कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो धारेगा। लेकिन आज आपकी अर्थनीति ने इस प्रकार से शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन कर दिया है कि दलित, आदिवासी, ओबीसी, पिछड़े और कमजोर तबके के बच्चे बच्चियां पढ़ाई न कर पाए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। उसी प्रकार से बेरोजगारी का सवाल भी उसकी चरम सीमा पर पहुंच गया है। आपने हर साल 2 करोड़ रोजगार का वचन तो दिया, लेकिन भारत के युवक युवतियों को ठगा, कोई रोजगार इस देश में निर्माण नहीं हो रहा, और उल्टा इस प्रकार का भयंकर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है कि बीएसएनएल हो, रेलवे हो, आईओसी हो, ओएनजीसी हो, नवरत्न कंपनी हो, हर जगह से आपने इतना भयंकर प्राइवेटाइजेशन कर दिया है कि बहुत ही सिस्टमेटिकली आरक्षण खत्म हो चुका है। मतलब कि दलित, आदिवासी, ओबीसी समाज में से जो मिडिल क्लास तैयार हुआ, थोड़े साधन संपन्न लोग पैदा हुए आरक्षण की नीति के कारण, वो भी अब तैयार ना हो, उस प्रकार की चाल आपकी सरकार और आप लोग खेल रहे हैं। तो सवाल ये पूछना चाह रहा हूं कि भारत के संविधान ने जो हक और अधिकार दिए, स्वतंत्रता से लेकर अब तक जो भी राइट्स मिले दलित, आदिवासी, ओबीसी को, इन तमाम हक और अधिकारों को रिवर्स करके प्रतिक्रांति का जो प्रोजेक्ट आपने हाथ में लिया है, इस प्रतिक्रांति के काउंटर रेवोल्यूशन के इस प्रोजेक्ट को गौतम अदानी ने, मोहन भागवत ने, किसने फंड किया है? इतना जरा इस मुल्क को बाबा साहब अंबेडकर की इस 132वीं जयंती पे जरा बताइएगा। और मोदी साहब, 14 अप्रैल के इस मौके पर आपको आखिरी 14वां सवाल पूछना चाहता हूं। आपके शासनकाल के दौरान ऊना का आंदोलन हुआ, रोहित वेमुला की इंस्टीट्यूशनल हत्या हुई, भीमा कोरी गांव का आंदोलन हुआ, दिल्ली की सड़कों पर संविधान की प्रतों को जलाया गया, मुझे जेल में डाला गया, चंद्रशेखर आजाद को जेल में डाला गया, प्रोफेसर रतनलाल के ऊपर कार्रवाई हुई, अंबेडकरवादियों के साथ, दलित मूवमेंट के लोगों के साथ आखिर आपको क्या दुश्मनी है? डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर के परिवार के दामाद डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े को आपने नक्सलवादी बोलकर 2.5 साल जेल में रखा, तो आखिर दलित और अंबेडकरवादी मूवमेंट के साथ आपको इतना खुन्नस क्यों है? किस बात का गुस्सा आप निकाल रहे हैं? ये सवाल पूरे भारत का दलित और बहुजन इस 14 अप्रैल के दिन आपको पूछना चाहता है। मोदी साहब, लेकिन आप भी याद रखिएगा, हम अंबेडकरवादी है, संघर्षों के आदि है। आप आसाम की पुलिस को भेजिए, किसी के ऊपर कोई भी कानूनी मुकदमा दर्ज कर दीजिए, जेलों में डालिए, आपसे और आपके आरएसएस से जितना हो सके कर लीजिए। हम न झुके हैं न झुकने वाले हैं। इस 14 अप्रैल के दिन आपके आरएसएस और भाजपा दोनों को चैलेंज करते हैं,
जब तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को पूर्ण रूप से लागू नहीं करवाएंगे तब तक आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। और कहा था ना आसाम की जेल से छूटने के बाद, वही अंदाज में दोबारा कहता हूँ, झुकेगा नहीं साला, याद रखिए। जिग्नेश मेवाणी के इन सवालों पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीग।